हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नथिंग की तरफ से आने वाली स्मार्टफोन नथिंग फोन 1 के बारे में। तो नथिंग ने इस फोन की डिजाइन और लुक्स ऑफिशियली स्विट्जरलैंड की एक इवेंट में शोकेस कर दिया है, लेकिन शोकेस पे बस रेयर पैनल और साइड को बस दिखाया गया है, बट सामने की डिजाइन अभी भी रिवील नहीं किया गया है। तो गाइस, ये रही नथिंग फोन 1 की रेयर साइड की डिजाइन। देखा जाए तो हमें ट्रांसपेरेंट बैक देखने को मिलेगा, साथ ही डुअल कैमरा और लाइट स्ट्रिप्स भी दिया जाएगा। तो फ्रेम की डिजाइन बिल्कुल ही फ्लैट और मेटल बिल्ड होगी, जैसे कि आप देख सकते हो। और हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि राइट साइड की तरफ पावर बटन दिया जाएगा और लेफ्ट साइड की तरफ वॉल्यूम अप एंड डाउन कीज दिया जाएगा। और बॉटम साइड की तरफ USB-C पोर्ट के साथ स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे 3.5mm जैक की सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। और मुझे इस फोन की डिजाइन देखकर आईफोन की याद आ रही है। बस पीछे साइड नथिंग ने कुछ यूनिक चीज किया है, जो कि है ट्रांसपेरेंट बैक के साथ ये जो लाइट की स्ट्रिप ऐड किया गया है, वो मुझे काफी ज्यादा ऑसम लगा है। और अगर ये स्ट्रिप लाइट नोटिफिकेशन या फिर चार्जिंग के टाइम पे ग्लो करेगी तो ये और भी ज्यादा ऑसम वाइब्स देगी। और पता नहीं आपने गौर किया या नहीं, बट पीछे की तरफ एक एलिफेंट भी बना हुआ देखने को मिलता है। तो काफी सारे यूनिक फीचर्स नथिंग ने ऐड करने की कोशिश किया है, बस एक चीज बाकी है कि फ्रंट की लुक कैसे होने वाली है। तो बस डिजाइन की बातें बहुत हो गई, अब आगे स्पेसिफिकेशन, इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में बात किया जाए। तो सबसे पहले डिस्प्ले की बात करें तो लीक्स के हिसाब से बताया गया है कि 6.55 इंच की फुल HD+ OLED पैनल दिया जाएगा, जो कि 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आएगी। और बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले बिल्कुल बेजललेस होने वाली है, जैसे कि आप पहले सैमसंग की S22 सीरीज में देख चुके हो। तो इस फोन की डिस्प्ले इस नथिंग फोन 1 को काफी तगड़ी और प्रीमियम लुक देने वाली है। और अब परफॉर्मेंस की बात करें तो हम सभी को पता है कि इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के चिपसेट लगाया गया है। तो मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से इस फोन में स्नैपड्रैगन की 700 सीरीज चिपसेट लगाया जाएगा, जो कि स्नैपड्रैगन 7 Gen 1, जो कि अभी हाल ही में अनवील किया गया है। इसकी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन 870 और स्नैपड्रैगन 888 के बीच में देखने को मिलता है। और साथ ही इस स्मार्टफोन में गेमिंग के लिए भी एनहेंस फीचर प्रोवाइड किया गया है। आप पबजी जैसे गेम्स 60fps में आराम से खेल पाओगे, और ऑप्टिमाइज अच्छी तरह से हो तो 90fps में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आपको इस फोन में 8GB और 12GB तक की रैम दिया जाएगा, जो कि 128 और 256GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ अवेलेबल होगी, और SD कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, जिसमें एक 50MP की मेन सेंसर होगी, जिसके ऊपर आपको OIS का सपोर्ट भी मिलेगा, और दूसरा 12MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेकार का कोई भी और सेंसर नहीं यूज किया गया है, सिंपल आईफोन की तरह दो कैमरा दिया गया है, एक मेन और दूसरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। आगे सॉफ्टवेयर की बात करें तो एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा, जो कि नथिंग OS पर बेस्ड होगी, और इसी के साथ फीचर में भी आपको कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको नथिंग OS की एक्सपीरियंस लेना है तो आप प्ले स्टोर पे जाके नथिंग लॉन्चर को डाउनलोड कर सकते हो। अब बैटरी की बात किया जाए तो बताया जा रहा है कि 4500mAh या फिर 5000mAh की बैटरी देखने को मिल सकता है, जो कि दोनों वायर्ड और वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करेगी। 45 वाट तक की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, और वायरलेस चार्जिंग की स्पीड अभी भी नहीं बताया गया है। अदर फीचर्स की बात करें तो स्टीरियो स्पीकर्स के सपोर्ट दिया गया है, वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, NFC और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जैसे फीचर्स भी दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। तो फाइनली अब इंडिया लॉन्च डेट और प्राइस की बात करें तो ये फोन अगले महीने 12 जुलाई को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा, और इस स्मार्टफोन की प्राइस स्पेसिफिकेशन और फीचर के हिसाब से 30,000 से 40,000 रुपए की रेंज में होने वाली है, जो कि इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। तो ऐसा लग रहा है कि नथिंग फोन 1 इंडिया में धमाल मचाने वाला है। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करने ना भूलिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले न्यू फ्रेश कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।